the students class 9th English में poem 6 No man are foreign कोई मनुष्य विदेशी नहीं है इसकी कविताओं के भावार्थ को समझें Remember no man are strange no country is foreign beneath all uniforms a single body breathes like cover the land of our brother walk upon is earth like this in which we all shall land याद रखो कि कोई व्यक्ति जो अजनबी नहीं है और कोई देश विदेश नहीं है सभी वर्दियों या पहनावे में जो है व्यक्ति सांस लेता है जो हमारी तरह है जिस तरीके से हम रहते हैं खाते हैं चलते हैं पहनते हैं तो अंतर हर एक व्यक्ति में हो सकता है हमारे अलग अलग रंग धर्म या जातियाँ या भाषाएँ अलग अलग हो सकते हैं परंतु हम एक जैसे हमारे भाई पृथ्वी पर चलते हैं जो हमारे जैसे हैं हम सब भाई बहन एक जैसे हैं हमारी मृत्यु में हम उसी पृथ्वी पर रहेंगे दे टू अवेयर द सन एंड एयर एंड वाटर एंड फिट बाय पीसफुल हॉबिट्स बाय वॉज लॉन्ग विंटर स्टार देयर हैंड्स आर आवर एंड इन देयर लाइंस वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर सूर्य हवा और पानी को जानते हुए वे भी शांति से उत्पन्न हुई फसलें द्वारा जीवित रहते हैं और युद्ध की लंबी सर्दी से भूखे मरते हैं उनके हाथ हमारे हाथ जैसे ही और उनकी लाइनों से हम मेहनत से पढ़ते हैं और उनकी मेहनत भी हमारी मेहनत से भिन्न नहीं है ये बात हो रही है विदेश जो देश के लोग हैं और विदेश के लोग हैं उनके बीच के डिफरेंस को समझाया जा रहा है इस कविता में or sleep and strength that can be won by love. In every land is common life that all can recognize and understand. मतलब याद रखो उनकी आंखें भी हमारी जैसी ही हैं जो जागती या सोती हैं और शक्ति रखते हैं जिसे प्यार से जीता जा सकता है हर भूमि में जीवन एक जैसा ही है जो कि पहचाना और समझा जा सकता है Stanza 4 Let us remember Whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall betray, condemn. Remember, we who take arms against each other. हम याद रखें कि जब कभी हमें अपने भाइयों से नफरत करने को कहा जाता है, तो हम ही हैं जो हम अपने आप से अलग होंगे और अपने आप को धोखा देंगे। हम अपने आप को ही दोषी ठहराएंगे याद रखो हम जो भी होंगे एक दूसरे के विरुद्ध क्या करेंगे हथियार उठाएंगे ये सब आदत जो है परंपरा में होता है Five, it is the human earth that we defile, our hands of fire and dust of outrage, the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no man are foreign and no country is strange. हम आदरणीय पृथ्वी को क्या करते हैं दूषित करते हैं हमारे द्वारा लगाई गई जो नारकी आग है धूल हवा के सीधेपन को अपमानित करती है जो हमारी तरह हर एक जगह पे है इसलिए याद रखो कि कोई भी व्यक्ति ना तो विदेशी है और ना जो है ना ही कोई देश है ना कोई विदेश है सब एक समान है इसी जो है थिंकिंग से आगे बढ़ना चाहिए थैंक यू अब इसके एक्सरसाइज करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 बिनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स व्हाट यूनिफॉर्म्स डू यू थिंक द पोएट स्पीकिंग अबाउट यूनिफॉर्म मतलब जो पोशाक हम पहनते हैं उस पोशाक के बारे में कवि की क्या कल्पना है और वो क्या कहना चाहता है कि हम किस तरीके से पहनावा करते हैं आंसर द पोएट इज स्पीकिंग अबाउट यूनिफॉर्म एज डिफरेंट नेशनलिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरे विश्व में अलग अलग जो राष्ट्रीयता है उसके हिसाब से हम जो है वेशभूषा पहनते क्वेश्चन नंबर 2 हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन अर्थ आर द कवि किस तरह बता रहा है कि पृथ्वी पर मानव एक समान है आंसर ही सजेस्टेड दैट अ सिंगल ह्यूमन बॉडी ब्रीथ्स बेनिथ डिफरेंट नेशनलिटीज कवि बता रहा है कि विभिन्न राष्ट्रों में हर मानव एक जैसी सांस ले रहा है In stanza 1, find five ways in which we all
पिक आउट द वर्ड्स। पहले पद में भी पांच प्रकार बताइए जो जिनमें हम सभी समान हैं, और शब्द बताइए। तो वो शब्द है नो मैन आर स्ट्रेंज, यानी कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं है। सेकेंड, नो कंट्रीज फॉरेन, कोई देश विदेश नहीं है। अ सिंगल बॉडी ड्रेस और यूनिफॉर्म्स, सभी पोशाकों में एक ही शरीर सांस ले रहा है। द लैंड इज सेम एवरीवेयर, सभी जगह एक ही भूमि है। द लैंड इज सेम वेयर ऑल शाल लाई, हम सभी एक ही भूमि में मृत्यु में समाहित होंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री, हाउ मेनी कॉमन फीचर्स इन विच वी आर अलाइक, पिक द वर्ड्स। कितनी समान चीजें हैं जिनमें हम सभी समान हैं, वे शब्द आपको बताने हैं। आंसर, दे आर अवेयर ऑफ द सन एयर एंड वाटर, वे सूर्य हवा और पानी है। सेकेंड, दे आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, वे एक समान शांतिपूर्ण फसलों से पोषित किए जाते हैं। थर्ड, देयर लाइंस द फॉर्म्स आर द सेम एज दीज देयर आर इन आवर हैंड, उनके हाथ हमारे हाथ जैसे ही हैं, उनकी हस्तरेखाएं भी हमारे जैसी ही हैं। डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग, पहला है DISPOSSES, डिस्पोजेस। बेगुनाही पर नाराजगी जताई। HARVEST, हार्वेस्ट मैंने कटाई। BETRAY, बिट्रे मैंने धोखा देना। नेक्स्ट FORIGN, फॉरेन यानी विदेशी। नेक्स्ट BREATHS, बीट्स यानी सांस लेना। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। आपको ये कविता जो है पोएम्स लिखनी है नोटबुक में अपनी, और शुद्ध जो इंग्लिश है वो लिखनी है, और स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, और डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग सारे लिख के याद करने हैं, क्वेश्चन आंसर याद करने हैं, और नोटबुक मेंटेन करनी है। थैंक यू सो मच।